अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संक्रांति के बारे में। संक्रांति क्या होती है, संक्रांति का पुण्य काल क्या होता है, संक्रांति के समय किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए तथा संक्रांति का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। जब भी हम संक्रांति के बारे में सोचते हैं तो मकर संक्रांति की बात हम सभी को याद आ जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति को हम सभी भली प्रकार से जानते हैं। परंतु संक्रांति प्रत्येक महीने आती है, एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। अब इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले संक्रांति, देखिए जब सूर्य महाराज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं। जब भी सूर्य महाराज किसी भी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं। अब इसको डिग्री वाइज समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक राशि 30 डिग्री की होती है और सूर्य महाराज प्रत्येक दिन लगभग 1 डिग्री चलते हैं। इसी कारण से एक राशि में 30 डिग्री होने की वजह से और सूर्य महाराज की चाल प्रत्येक दिन 1 डिग्री होने की वजह से सूर्य महाराज एक राशि में लगभग 1 महीना रहते हैं। और जब सूर्य महाराज एक राशि अर्थात 30 डिग्री को भोग लेते हैं तो सूर्य महाराज को अगली राशि में जाना होता है। और हमारे भचक्र में 12 राशियां हैं, इसी कारण से एक वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं। सूर्य महाराज जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं। अब हम संक्रांति का वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं। अलग अलग संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो यहां पर पहले उनके नामों को देख लेते हैं। देखिएगा, जब भी सूर्य महाराज मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे विषुव संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद जब सूर्य महाराज तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो इस संक्रांति को भी विषुव संक्रांति कहा जाता है। अर्थात जब सूर्य महाराज मेष राशि तथा तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो इन संक्रांतियों को विषुव संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद जब सूर्य महाराज कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इस संक्रांति को याम्यायन संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद जब सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस संक्रांति को सौम्यायन संक्रांति कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 1, 4, 7, 10 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि तथा मकर राशि, ये सभी हमारी चर राशियां हैं। तो चर राशियों के मैंने अलग अलग नाम आपको संक्रांति के हिसाब से बताए। और इसके बाद जब सूर्य महाराज वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं या फिर सिंह राशि में प्रवेश करते हैं या फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं या फिर कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, आप देखेंगे कि वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि तथा कुंभ राशि हमारी स्थिर राशियों में आती हैं। जब सूर्य महाराज स्थिर राशियों में प्रवेश करते हैं तो इस संक्रांति को विष्णु पद संक्रांति कहा जाता है। और इसके बाद देखिएगा, जब सूर्य महाराज मिथुन राशि या फिर कन्या राशि या फिर धनु राशि या फिर मीन राशि, इन राशियों में प्रवेश करते हैं तो इस संक्रांति को सर शीत यायन संक्रांति कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि तथा मीन राशि, ये सभी हमारी द्विस्वभाव राशियों में आती है। तो सूर्य महाराज जब द्विस्वभाव राशियों में प्रवेश करते हैं तो इस संक्रांति को सर शीत यायन संक्रांति कहा जाता है। इसी प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं कि
किस राशि में प्रवेश करने पर उस संक्रांति को किस नाम से याद किया जाता है। इसके बाद जानेंगे कि सूर्य महाराज जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर इस संक्रांति को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य महाराज उत्तरायण हो जाते हैं। जब सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य महाराज 6 महीने उत्तरायण होते हैं। अर्थात सूर्य महाराज मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, अर्थात इन 6 राशियों में रहते हैं तो यहाँ पर सूर्य महाराज उत्तरायण होते हैं। उसके बाद जैसे ही सूर्य महाराज कर्क राशि में प्रवेश करते हैं यहाँ पर सूर्य महाराज दक्षिणायन हो जाते हैं। सूर्य महाराज दक्षिणायन भी 6 महीने रहते हैं। अर्थात सूर्य महाराज जब कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि तथा धनु राशि इन सभी 6 राशियों में रहते हैं तो यहाँ पर सूर्य महाराज दक्षिणायन हो जाते हैं। अब इसके बाद जानेंगे कि संक्रांति के समय व्यक्ति को किन कार्यों को करना चाहिए तथा किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। देखिएगा संक्रांति के समय व्यक्ति को स्नान आदि करने के बाद जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और यथासंभव दान करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को पुण्य कार्य करने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने आराध्य को याद करना चाहिए। वहीं पर क्या कार्य नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को कोई भी नया विशेष कार्य संक्रांति के समय प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी आप नया कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को संक्रांति के समय आप अवॉइड कर दें। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी नया कार्य आप जब अपने लाभार्थ करना चाहते हैं तो संक्रांति से कितने समय पहले नहीं करना चाहिए और संक्रांति के कितने समय बाद तक नहीं करना चाहिए, तो इस समय को कहते हैं पुण्य काल। संक्रांति प्रारंभ होने से कितने समय पहले और कितने समय बाद तक आपको कोई भी विशेष नया कार्य नहीं करना है और उस समय को कहते हैं संक्रांति का पुण्य काल। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं अलग अलग संक्रांति में पुण्य काल अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ हम आपको एक ऐसी समय अवधि बताएंगे जिसमें कि मोटा मोटी सभी संक्रांति में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो व्यक्ति को जब भी सूर्य महाराज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय से लेकर 16 घटी पहले, 16 घटी का मतलब होता है 6 घंटे 24 मिनट, एक घटी होती है 24 मिनट की, तो संक्रांति प्रारंभ होने से 6 घंटे 24 मिनट पहले तथा संक्रांति के 6 घंटे 24 मिनट बाद, अर्थात संक्रांति प्रारंभ होने से 16 घटी पहले और 16 घटी बाद तक कोई भी कार्य आपको विशेष जो आप शुरू करना चाहते हैं, अपने लाभार्थ शुरू करना चाहते हैं, उसको अवॉइड करें और उसके बाद संक्रांति को आप पंचांग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रत्येक संक्रांति के समय को जो हमारे पंचांग है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया होता है कि सूर्य महाराज कब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय को आपको दिखाया गया होता है। आप पंचांग के माध्यम से इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।